नागरिकता कानून के विरोध में लखनऊ में हुई हिंसा मामले में पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तीनों लोग मास्टरमाइंड हैं। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को उकसा रहे थे। पुलिस ने मास्टरमाइंड अशफाक नदीम वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जरिए लोगों को जोड़ा जाता था, उकसाया जाता था, क्योंकि जो CAA का विरोध यहां पर किया जा रहा था, ऐसे में उन लोगों को उकसाया जा रहा था, गुमराह किया जा रहा था झूठी अफवाहों के माध्यम से। और लगातार अब पुलिस ऐसे ही सतर्कता दिखाते हुए उपद्रवियों पर कार्रवाई कर रही है और अशफाक वसीम को भी पुलिस ने हिरासत में लिया है। पूछताछ यहां पर की जा रही है। तो सोशल मीडिया के जरिए ये कोशिश जो है वो उनकी तरफ से की गई। लखनऊ में हिंसा जिस तरह से हुई, क्योंकि विरोध CAA का किया जा रहा था, लेकिन जिस तरह से इस विरोध ने हिंसक रूप लिया, उसी के चलते ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है जिन्होंने इस तरह की घटना को अंजाम देते हुए प्रदेश के माहौल को खराब करने की कोशिश की। तो इस विरोध की आड़ में प्रदेश के माहौल को खराब करने की साजिश जो है जिन लोगों ने रची थी, उन पर अब इस तरह से कार्रवाई हो रही है। अशफाक वसीम को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इसके अलावा तीन और जो मास्टरमाइंड थे उनको भी गिरफ्तार किया गया। तो लखनऊ हिंसा में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मास्टरमाइंड नदीम समेत तीन लोग गिरफ्तार हुए हैं और बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया के जरिए लोगों को गुमराह करते थे, उकसाते थे।